अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में खुश आमदीद। तो आज ज़रा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से हम लंबा व्लॉग तो नहीं बनाएंगे, लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। मिट्टी की गोड़ी करते हुए ना पौधों के लिए, तो इसके अंदर से ना बहुत सारे अंडे निकले हैं। तो उन अंडों को मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस चीज़ के अंडे हैं। पहले तो हमें लग रहा था कि सांप के अंडे हैं, तो आज हम डक्स को ना एक तरफ बंद करने के लिए, रात को ये हमें तंग करती हैं, वो बंद करने के लिए हम यहाँ पर इसको ये लगा रहे हैं। जाली हमने बनाई हुई है पहले से, तो ये देखते हैं किस तरह से हम इसको जो है ना लगाते हैं। ये अभी फिलहाल तो हम इसको आर्थिक तौर पर सेट कर रहे हैं। बात करो। हेलो, डर रही है। कब से मेरी कोशिश थी इसको मैं पकड़ू, हाँ जा रही है ना, आज मिल गई मुझे। आज का दरवाजा खोल, मैं इसको भेजो अंदर। नहीं ज्यादा नहीं करते, ज्यादा नहीं करते। अब वो वाला आएगा ना, जो ये वाला है इसके साथ ही ना आएगा। और देखिए वैसे भी कर दिए, पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले, उठा ले उठा ले। इसको भी कैमरे में दिखाना आप लोगों को। ये तो बहुत सॉफ्ट नरम है, बहुत प्यारा है। ये सबसे प्यारा यही वाला है, ये सॉफ्ट भी है और जो कि हमें पसंद आ गया, नरम भी है, लेकिन तेज भी बहुत प्यारे हैं। देखो पूंछ से जो है ना, ये दो मिस की देखो, गोल गोल कैसी मोर जैसी है। अब दोस्तों मसला है टीना और मीना का। टीना मीना तुम पकड़ो अब। हाँ, मुझसे नहीं पकड़ी जाती। ये देखिए ये सुराख बड़े हैं, ये इसमें से निकल आएंगी। फिलहाल पकड़ के बिना दिखाते तो हैं। चलो पकड़ के बिठाएं तो सही, ले आओ पकड़ के। ये आसानी से आ जाएंगी हाथ पर, तू इनको झटके ना दे। ऐसे डाल दे ऐसे। इसका पता है मीना है, वाइट गर्दन वाली है। देखा ये ऐसे निकल भी आएगी। आ जा चल देना।
ठुंगे लगा रही हैं इनको। नहीं दादा नहीं मारती, दादा नहीं मारती। पहले उन्होंने मारा। ओए पिया भी निकला है। ओए भाई ये क्या है? अब क्या है? पता दरवाजे को ना ऐसे कर देखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे भी निकल आएंगी ये बड़ी है। नहीं नहीं लकड़ियां ऐसे लंबी पड़ जाएंगी, दरमियान से निकल 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 फंस जाएंगी। ये बड़ी इसमें ठहर सकेंगी? टीना तो गई खड़ी है, वो निकल नहीं पा रही अभी तक। वहीं से दूसरी हां यूं करते हैं, ये देखो साइड से कर निकल आएंगी, साइड से निकल आएंगी। हां डबल फट्टी लगा देते हैं, यूं लगी हुई है अब यूं। हां हां ऐसे लगा लिया पक और ले उठे हैं वहां से, जरा छीन के ले आओ। पाक पाक को पकड़े आप। टीना ने निकली, वो निकल गया। ये तो पता नहीं क्या चीज है। चल अंदर जा, चल चल अंदर। पीप से दिखाते हैं, ये देखें ये सारे की सारी यहाँ नीचे एडजस्ट हो गई हैं, लड़ नहीं रही हैं फिलहाल तो। और हमने इनको यहाँ पर बंद कर दिया। अब आपको यूँ पीछे से दिखाते हैं, ये देखें, इसलिए हमने इसको डबल स्टोरी बनाया था। फिलहाल इस साइड से हमने घोड़ी लगाया हुआ, बाकी इनको हमने फाइनल मराहल से फिर गुजारेंगे। फिलहाल आर्जी तौर पे हमने इसको इधर तो सब लोग वो पीछे बाहर गई बैठी है, वो डाली तो नहीं हमने, वो एक तरफ जाके सो गई है। उसने कहा साथी तो करीब दोस्तों आज लॉन में काम करते हुए यहाँ पर, तो मैंने बड़ी की है तो वहाँ से ये अंडे निकले। ये तकरीबन 8 अंडे हैं, ये समझ नहीं आ रही, लगता है ऐसे जैसे कोई सांप के अंडे हैं या जमीन के अंदर क्या चीज़ है जो अंडे दे सकती है। अच्छा दोस्तों ये तो अब डर भी लग रहा है कि यहाँ पर अंदर कोई सांप ना हो, किस चीज़ के हैं ये नहीं समझ आ रही है मुझे तो, क्योंकि अंदाज़ा नहीं है, मैंने पहली दफ़ा देखे हैं इस तरह से ज़मीन में। तो ये तकरीबन 9 अंडे निकल आए हैं और मैं देख रहा हूँ शायद कोई अंडा कहीं से निकल आए, लेकिन देखें आप ये 9 हैं अंडे टोटल। तो आप कमेंट में बताएं अगर आपको कोई अंदाज़ा है कि ज़मीन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ये काफ़ी तकरीबन 2 इंच डीप अंदर थे ये अंडे। देखें मैं जितना इसको नीचे तक खोद रहा हूँ वो 2 इंच है तकरीबन। तो आपने ये मुझे कमेंट में बताना है क्या है ऐसी चीज़ है, तो मैं आपको फिर बाद में ही बता सकूँगा ये क्या है। मैं इनको रख देता हूँ एक तरफ अलहदा करके, समझ नहीं आ रही बहरहाल ये क्या चीज़ के अंडे हैं, लंबे से हैं, लंबे से अंडे हैं। बहरहाल मैं इनको रख रहा हूँ ऐसे ही मिट्टी के अंदर, वापस दबा देता हूँ। तो अगले व्लॉग में फिर मैं आपको बताऊँगा अगर मुझे पता चला तो इनमें से कोई अंडा हैच हुआ या कोई, और देखता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।